हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि CSIR की तरफ से आया है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल HRDGCSIR पे। ठीक है, तो अगर आप ये ट्वीट देखना चाहते हैं तो आपको बस टाइप करना है अपना ट्विटर अकाउंट में HRDGCSIR। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको जो है CSIR का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट नहीं है तो आप नॉर्मली गूगल पे भी HRDGCSIR ट्विटर अकाउंट डाल के भी आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। तो चलिए हम वो ट्वीट देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है CSIR के जो भी लेटेस्ट ट्वीट है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो ट्वीट आया है CSIR एग्जाम से रिलेटेड, ये कुछ 6 आवर पहले ही इन्होंने जो है अपने ऑफिशियल लाइक HRDGCSIR ट्विट अकाउंट पे इन्होंने जो है क्लियरली मैंसन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए ये जो इन्होंने जो मैंसन कर रखा है, इन्होंने मैंसन करा है DGNTA हैज इन्फॉर्म DGCSIR दैट द डेट्स ऑफ CSIR UGC नेट एग्जाम वुड बी अनाउंस सून DG_NTA। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि तो DG NTA के उन्होंने इन्फॉर्म किया है जो डायरेक्टर जनरल है CSIR के, कि जो CSIR UGC नेट का एग्जाम जो होगा वो जो है वो कंडक्ट कराने के लिए जितना जल्दी हो सके वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पे मैंसन कर रखा सून। अब सून का मतलब जो CSIR का है वो पता नहीं कितना टाइम वो लेंगे, ये अभी क्लियरली नहीं इन्होंने लेकिन मैंसन कर रखा है सून। तो यहाँ पे देखिए सून इन्होंने लिख रखा है, तो मे बी जो है ये इस मंथ के एंड में लाइक जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर सकते हैं, या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकता है आपके इस मंथ के एंड में, या आपके जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में भी जो है आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो मे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बस क्लियरली नहीं मैंसन नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव नोट में हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट CSIR का जो एग्ज़ाम है वो एटलीस्ट होगा। ठीक है, ये एक पॉजिटिव नोट है, नहीं तो अदरवाइज क्या था कि ये तो ऐसा बहाना बनाए थे कि कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो रहे, बल्कि जो अदर एग्जाम्स हो रहे थे लाइक चाहे वो आपका ISMR JRF हो, चाहे वो DFT JRF हो, तो सारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जा रहे थे NTA की तरफ से। लेकिन इन्होंने जो CSIR एग्जाम जब कंडक्ट कराने की बात आई तो ये कोविड का बहाना दे रहे थे। मतलब सिर्फ CSIR एग्जाम जो अनाउंस या CSIR एग्जाम कंडक्ट करने से ही कोविड होगा, बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं चाहे वो आपका ISMR हो, चाहे गेट हो या DBT हो, या आपका जितने UPSC एग्जाम हो, तो उन एग्जाम को कराने से लगता है कोविड नहीं हुआ। तो ये इनकी थिंकिंग है, तो इसी वजह से ये जो है CSIR UGC नेट JRF का एग्जाम जो कंडक्ट नहीं करा रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने जब क्लियरली मेंशन कर रखा कि जो डेट है वो अनाउंस होंगी, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो है वो स्टार्ट होगा सून, इन्होंने डेट क्लियरली मेंशन नहीं कर रखी है, तो आप कर कह सकते हैं आप अपनी जो प्रिपरेशन वो कंटिन्यू करिए। ये नहीं कि आप जो है जब एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकलेगा उसके बाद ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकलने के बाद आपको मिनिमम लाइक 1.5 मंथ या 2 मंथ का जो है आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करें। लेकिन उससे बेटर है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकले तब आप उसकी प्रिपरेशन ना करें, अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट किए, ताकि जब तक आपका डेट आए एग्जाम का तब आप जो है अपना लाइक 100% आप प्रिपेयर हो इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये बस एक छोटा ट्वीट इन्होंने जो अपने ऑफिशियल अकाउंट हैंडल पे कर दिया है। तो अगर आप इस ट्वीट को देखना चाहते हैं तो आप ट्विटर के अपने अकाउंट में HRDGCSIR जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो ट्वीट है CSIR की तरफ से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अब आपको क्या कर सकते हैं, आप बस आप वेट ही कर सकते हैं कि NTA कब जो है वो डेट अनाउंस करेगा और कब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब आपका जो है एग्जाम डेट अनाउंस होगा। तो ये सब चीज़ें अभी इसमें टाइम लगेगा। तो अगर मान लीजिए इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक से अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अगर स्टार्ट हो जाता है तो वो आपको मिनिमम जो है 20 या 25 डेज तो देंगे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और उसके बाद जो है आपको मिनिमम 1.5 मंथ या 2 मंथ का जो टाइम दिया जाएगा आपको अपनी लाइक जो भी आपके गैप्स हैं स्टडीज वो सब आप कर सकते हो उन टाइम में। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए, ताकि जब भी डेट अनाउंस की जाए NTA की तरफ से आपके एग्जाम की तो आप उस एग्जाम के लिए 100% रेडी हो सकें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।